એક નંબર્સ જે છે તે આવ્યા છે, તેના પર વધુ હવે રિએક્શન પણ આપણે લઈ રહ્યા છીએ. ડીબી કોર્પના નંબર્સ જે છે તે આપણને આવતા જોવા મળ્યા હતા, જેમાં તમે જોશો કે આવક વધી છે, સામે માર્જિન્સ નફા એબિટામાં થોડો ઘટાડો આવ્યો છે. વધુ વાતચીત કરીએ ડીબી ગ્રુપના ખાસ પ્રમોટર અને ડિરેક્ટર ગિરીશ અગ્રવાલ. ગિરીશજી, બહોત બહોત સ્વાગત હૈ આપકા સીએનબીસી બજાર પર. ગુડ આફ્ટરનૂન. સબસે પહેલે તો સર નંબર્સ પે બાત કરના ચાહેંગે. રેવન્યુઝ ડેફિનેટલી રિકવર કરતે હુએ દિખ રહે હૈં હમ, લેકિન બાકી માર્જિન્સ પર પ્રેશર હૈ અભી. મોસ્ટલી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ કો ઇનપુટ કોસ્ટ પ્રેશર દિખતા હૈ. हमारे इंडस्ट्री को कैसे हम देखते हैं इनपुट कॉस्ट प्रेशर को, और जिस तरह से असर बाकी एबिटा मार्जिन सबको हो रहा है उसको किस तरीके से आप बताएंगे सर? देखिए, हमारी इंडस्ट्री में न्यूज प्रिंट जो है वो हमारा मेन इनपुट है. 55% की जो हमारी कॉस्ट है वो न्यूज प्रिंट से होती है. उसमें अगर आप 9 महीने को देखें तो वहां पे तकरीबन हमारे को 20% का न्यूज प्रिंट की प्राइस में इम्पैक्ट आया है, और ये थोड़ा सा अभी सॉफ्ट डाउन भी नहीं हो रहा है क्योंकि वर्ल्ड मार्केट भी टाइट हो रहा है, इंडिया में भी टाइट है, तो ये थोड़ा सा एक दर्द दे रहा है. इसलिए जो आप बोल रहे हैं ना मार्जिन में, हालांकि हम अगर 9 महीने का कंपैरिजन निकालें लास्ट ईयर का इस साल में, तो वैसे तो 20% का EBITDA में ग्रोथ है, लेकिन उसके बावजूद भी हमको लगता है कि न्यूज़प्रिंट की वजह से प्रॉफिट थोड़ा हमारा सब्ड्यूड है. अच्छा सर, वैसे देखने जाए अगर एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू है, सर्कुलेशन है, वो तो काफी रिकवर होते हुए दिख रहे हैं, तो इनके बारे में सर बताइए, थोड़ा सा ट्रेंड लाइन बताइए, लोगों की स्पेंडिंग किस तरीके से दिख रहे हैं आप? देखिए, अगर इसको अपन दो हिस्सों में देखें, पहले 9 महीने का देखें जी, तो ये 9 महीने अगर पिछले साल के 9 महीने से कंपेयर करते हैं तो हमारे पास लगभग 24% की ग्रोथ है एडवर्टाइजिंग. लेकिन अगर मैं इसको 2019 के क्वार्टर पे ले जाता हूँ, 2019 की दिवाली यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर ऑफ 2019 प्री पेंडेमिक, उससे हम ऑलमोस्ट 92-93% पे खड़े हुए. वो भी कब, जब इस बार दिसंबर में कोविड ऑलरेडी थर्ड वेव आ गई थी. अगर ये थर्ड वेव नहीं आई होती तो हमको पूरा भरोसा है कि हम 2019 के नंबर पे या तो थोड़े से आगे होते या मैच करते. तो इससे ही क्लियर होता है कि एडवर्टाइजिंग का मार्केट तो न्यूज़पेपर्स के लिए वापस 100% आ चुका है. ठीक है सर, इसके अलावा हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट एड वगैरह जो हैं, ये इलेक्शन वाले जो स्टेट्स हैं वहाँ पर डेफिनेटली उसका भी एक फ़र्क पड़ता होगा, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि अब प्रचार जो है वो भी अपने पीक लेवल पर है, तो ये कैसे देख रहे हैं सर आप यहाँ पर? गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग को लेकर असल में क्या है कि पिछले 9 महीने से हमारी गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग बंद है. तो गुजरात हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, हरियाणा हुआ, दिल्ली हुआ, ये सब गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग हमारी बंद चल रही है किसी कारण से. ओके सर, आखिर में आगे बढ़ रहे हैं, आउटलुक पहले तो हमें समझाइए थोड़ा सा कि फिनेंशियल ईयर 23 के लिए यहाँ से हम क्या टेक अवेज लेकर जाएं, और उसके बाद में एक बजट को लेकर आपसे बात करना चाहूँगा सर. देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम पेंडेमिक का जो दिसंबर में इस बार थर्ड वेव का इम्पैक्ट आया इसको छोड़ दें तो ये लगभग 2019 से मैच कर गया है. इसका मतलब ये हुआ कि सन 2022-23 जो 22-23 बैठेगा वो 2019-20 के लेवल पे बिल्कुल आना चाहिए, बल्कि थोड़ी ग्रोथ ही आना चाहिए. नंबर एक. नंबर दो, जो हमारा कवर प्राइस है, अभी हमारी कवर प्राइस लगभग 4.5 रुपए है, लेकिन हमने देखा कि हिंदुस्तान में कुछ स्टेट्स में कवर प्राइस 6-7 रुपए तक भी है. तो हम वो भी प्रयास करेंगे कि जो 1.5 रुपए का मार्जिन हमारे पास बचा हुआ है, हम इसको भी अपने पाठक को कन्विंस करके अपनी क्वालिटी के बारे में उनको और बता के इस कवर प्राइस को भी लेके आए अंदर. अगर ये हमारी कवर प्राइस बढ़ती है तो इससे भी लगभग साल का 50-100 करोड़ रुपए का हमारे को एडवांटेज खड़ा होता है. कॉस्ट पे अगर आप देखें तो हमारी कॉस्ट कंट्रोल पूरी चल रही है. जो हमने 2020 में कॉस्ट कंट्रोल की थी वो 21 में भी पूरी चल रही है, और हमको भरोसा है कि 22 में भी वो कंट्रोल में पूरी की पूरी रहेगी, तो वो भी एक एडवांटेज हमको खड़ा हुआ. ठीक है सर, और अब आखिर में वैसे मीडिया इंडस्ट्री की अगर बजट एक्सपेक्टेशन पूछने जाए तो ये थोड़ा सा देखना होगा, लेकिन फिर भी कुछ कॉस्ट, डेफिनेटली कॉस्ट जो है, इनपुट कॉस्ट वगैरह जो बढ़ रही हैं उसके बारे में अगर कोई आपके एक्सपेक्टेशंस हो, कोई गवर्नमेंट उसके बारे में स्टेप्स उठाए तो आपके कमेंट्स सर वेलकम है यहाँ पर. अभी भी देखिए, इम्पोर्टेड न्यूज प्रिंट पे 5% की ड्यूटी लगती है. ठीक, ये ड्यूटी सरकार ने इसलिए लगाई हुई थी कि हिंदुस्तान जो मिले हैं यहाँ पे न्यूज प्रिंट बनाती हैं उनको सपोर्ट मिले. अब तो हिंदुस्तान की सारी मिलें जो हैं वो तो बहुत बहुत अच्छा काम कर रही हैं, वो तो बल्कि न्यूज प्रिंट बनाने की जगह पैकिंग पेपर बनाना शुरू कर दिया. वो तो हमारा सरकार से अपील है कि वो जो 5% की ड्यूटी इम्पोर्ट पे लगा रखी है वो आप कम करें, क्योंकि आज की तारीख में इम्पोर्टेड न्यूज पेपर सस्ता पड़ रहा है हमको, इंडियन महंगा पड़ रहा है. इम्पोर्टेड जो 5% का ड्यूटी लगाई जा रही है वो कम करें तो उसका बेनिफिट हमको मिलेगा.